डोपामाइन प्लेज अ रोल इन हाउ वी फील प्लेजर प्लेजर की जब बात आएगी तो डोपामाइन की बात आएगी इट्स इट्स अ बिग पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन एबिलिटी टू थिंक एंड प्लान थिंक एंड प्लान में भी इसका रोल होता है उसके बाद इज द की हारमोन दैट स्टेबलाइज आवर मूड हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है फीलिंग्स ऑफ वेलबींग एंड हैपीनेस इन चीज़ों को स्टेब्लिस करता है सॉरी uh, स्टेबलाइज uh, करता है दिस हारमोन इम्पैक्ट्स योर इंटायर बॉडी इट इनेबल्स ब्रेन सेल्स एंड अदर नर्वस सिस्टम सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यही इनेबल करता है कि किस तरह से uh, मतलब कम्युनिकेट करना है सरोटोनिन सरोसो हेल्प्स विद स्लीपिंग ईटिंग एंड डाइजेशन ये इसका जो रोल होता है स्लीपिंग में ईटिंग में और डाइजेशन में भी इसका रोल होता है याद रखिएगा ये हमारे मूड को स्टेबलाइज भी करता है फीलिंग ऑफ वेलबींग और हैप्पीनेस को उसके साथ ये चूँकि मैंने बताया कि इम्पैक्ट करता है बॉडी बॉडी को और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब ट्रांसफ़र हो रही होती है इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पर भी न्यूरो का रोल होता है वो जिसकी ज़रूरत होती है उस वही वाला रिलीज़ होता है वहाँ पर गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड गाबा भी इसको बोला जाता है इज़ एन अमीनो एसिड देट फंक्शन एट प्रायमरली इनबेटरी यह इनेबिट्री न्यूरो ट्रांसमिटर होता है इनहेबिट्री और एक्साइटरी हमने पहले भी देखा है इनहेबिट्री जो uh, uh, system, जो एक्शन को रोक रहा होता है या स्लो कर रहा होता है फॉर देंट्रल नर्वस सिस्टम इट फंक्शन टू रिड्यूस नॉर्मल एक्साइटेबिलिटी बाई इन्हेबिटिंग नर्वस नर्व ट्रांसमिशन ये मैंने पहले बता दें उसके बाद जी एसिटाइकोलीन इज़ द चीफ न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक चीफ न्यूरो ट्रांसमीटर माना जाता है किसका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का इट प्लेज अ रोल इन मोटिवेशन अराउजल अटेंशन लर्निंग एंड मेमोरी इट इज़ ये प्ले अपना रोल प्ले करता है किसमें मोटिवेशन में अराउजर में अटेंशन और मेमोरी के अंदर एंड इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग रैम स्लीप रैम स्लीप को प्रमोट करने के लिए यानी कि रैम स्लीप में भी अपना ये रोल प्ले करता है uh, तो uh, चूँकि हमारा क्वेश्चन के अंदर न्यूरो नि ट्रांसमीटर दैट प्लेज द रोल इन स्लीप एंड मूड स्लीप और मूड चेंज की बात की गई है तो इसमें हमारा कौन सा रोल प्ले करता है सिरोटोनिन इज द कीप हारमोन दैट सप्लाइज़ अवर मूड फीलिंग ऑफ वेलबिंग एंड हैप्पीनेस और उसके साथ साथ ये स्लीपिंग में भी रोल प्ले करता है तो सिरोटोनिन इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा